Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, second year students. How are you? Hope you all are fine. We are studying chapter number 10, and in last lesson we have learned about the format specifier. आज हम format specifier की और different example को देखेंगे और उन्हीं के according हम program भी बनाएंगे. So let's start today's lecture. Here we have an example, ठीक है. यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को हम देख लेते हैं. What is the requirement of this program? Write a program that display value of integer variable and character variable on screen. अब यहाँ से आपको ये भी समझ आएगा कि हमने integer variable लेना है, display करवाना है, और character variable display करवाना है. तो आपको इनकी डेटा टाइप भी समझ में आ जाएगी कि हमने इसको डेटा टाइप को भी किस तरह इसको सॉल्व करना है. सबसे पहले हमने हेडर फाइल लगा दी स्टूडियो डॉट एच और कोनियो. लेकिन कोनियो डॉट एच की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. अगर कर भी लेते हैं तो इट्स गुड, ठीक है. वॉइड मैन वॉइड, ठीक है. ये तो आपको पता है कि ये हमने कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो ये हमने हेडर फाइल और ये आपके पास एज इट इज़ हमने राइट करना है. ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट आएगा, डेलीमीटर जिसको कहते हैं, और यहाँ से हमारी बॉडी स्टार्ट होगी प्रोग्राम, ठीक है. ओके, नाउ कंसीडर कि अब हमें क्या चाहिए. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट कि हमें एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए और एक हमें अब क्या चाहिए, करेक्टर वेरिएबल. यानी कि मुझे दो चीज़ें चाहिए. एक आपके पास चाहिए इंटीजर वेरिएबल, ठीक है, और दूसरा मुझे चाहिए करेक्टर वेरिएबल. अब हम इंटीजर वेरिएबल को हम कंसीडर कर लेते हैं ए, और करेक्टर वेरिएबल को हम कंसीडर कर लेते हैं एच. ओके, अब हमने इंटीजर वेरिएबल लिया ए और उसकी वैल्यू हमने दे दी 77. उसके बाद हमने करेक्टर वेरिएबल, करेक्टर वेरिएबल के लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिजर्व वर्ड क्या है, कीवर्ड के करेक्टर वेरिएबल को हम, देखिए ये हमारे पास इंटीजर के लिए है और कैरेक्टर वेरिएबल को हमने जब इनिशियलाइज करवाना है तो हम करवाएंगे सी एच ए आर, ये इसका कीवर्ड है. जब भी हमें कोई कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करवाना पड़ेगा तो उसके आगे हम डिक्लेरेशन के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे सी एच ए आर, चार कीवर्ड यूज़ करेंगे. उसके बाद हमने ले लिया सी एच, ठीक है. सी एच हमने एक वेरिएबल ले लिया इक्वल टू एच. हमेशा याद रखिएगा कि जब हम किसी करेक्टर वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो उसको हमने सिंगल कोटेशन के साथ राइट करें, ठीक है. उसको किसे राइट करेंगे, हम सिंगल कोटेशन के साथ राइट करेंगे. यहाँ तक बात समझ में आ गई. हमने इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों साथ में करवा दी. हमने एक वेरिएबल ले लिया ए, उसकी वैल्यू हमने रख दी 77. उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया सी एच आर, उसकी डेटा टाइप क्या है, करेक्टर, और उसके अंदर हमने क्या स्टोर करवा दिया, ए. अगर मुझे कुछ और स्टोर करवाना होता, फॉर एग्जाम्पल मैं करेक्टर में ए, तो मैं क्या लिखूँगी, सिंगल कोटेशन के साथ ए. अगर बी करवाना होगा तो सिंगल कोटेशन के साथ बी. लेकिन अभी हमें सिर्फ क्या हमने पुट करवाया, हमने पहले प्रोग्राम से पहले ही सोच लिया था कि जो करेक्टर वेरिएबल है वो हमारा एच है, तो हमने सी एच एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर हमने स्टोर क्या करवा दिया, हमने एच स्टोर करवा दिया. ये आपके पास है सी एल आर एस सी आर, ये हमारे पास क्लियर स्क्रीन की हमारे पास फंक्शन है जो हमारे पूरे प्रोग्राम का जब आउटपुट डिस्प्ले होगा तो उससे पहले ये जितने भी स्क्रीन पर जो भी मौजूद होगा इसको क्लियर कर देगा. दैट इज़ यूज फॉर क्लियर द स्क्रीन, ठीक है. उसके बाद हमने प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास और फिर वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर कहलाता है कि यहाँ पर आपके पास वैल्यू एज इट इज़ राइट होंगी. वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल इक्वल परसेंट डी, यानी कि यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, हम यहाँ पर करवा रहे हैं इंटीजर वैल्यू पुट करवा रहे हैं. स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगी, तो परसेंट डी में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी. यानी कि फर्स्ट लाइन में वो क्या टाइप करेगा, वो डिस्प्ले करेगा वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल इक्वल, और परसेंट डी की जगह पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ए की. ए की वैल्यू क्या थी, 77. तो हमें क्या डिस्प्ले करेगा, वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल इक्वल टू 77. नेक्स्ट लाइन में देखें, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ करेक्टर वेरिएबल इक्वल परसेंट सी. परसेंट सी किसका साइन है, दैट इज़ फॉर करेक्टर वेरिएबल, और करेक्टर वेरिएबल हमने कौन सा लिया था, सी एच, तो हमने आगे यहाँ पर सी एच दे दिया, तो
पर्सन सी की जगह पर किसकी वैल्यू कर देगा, सी एच, जो कि क्या थी हमारे पास, एच। तो इसका आउटपुट कैसा डिस्प्ले होगा, वैल्यू ऑफ करेक्टर वेरिएबल इक्वल, और इस पर्सन सी की जगह पर किसकी वैल्यू पुट कर देगा, सी एच की, और वो क्या है, एच। तो यहाँ पर आ जाएगा एच। अब हम इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। ये देखिए, सेम जो हमने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में डिफाइन किया था, वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल इक्वल, और इस पर्सन डी की जगह पर किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। सेम वैल्यू ऑफ करेक्टर वेरिएबल इक्वल पर्सन सी, और पर्सन सी की जगह पर किसकी वैल्यू आ गई, सी एच, यानी कि जो एच थी वो वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास आउटपुट है। ये हमारे पास होता है कि हमने एक लाइन से सेकेंड लाइन पर जब शिफ्ट होना है तो हम स्लैश एन यूज करते हैं, ठीक है। स्लैश एन का पर्पस ये होता है, अगर आप यहाँ पर नहीं भी मार्क करेंगे तो ये एक लाइन में सारा आउटपुट डिस्प्ले करवा देगा। गॉट इट, ठीक है। इस प्रोग्राम की आपने दोबारा से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इसमें जो भी पॉइंट नहीं क्लियर हो रहे होंगे वो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। ये वो प्रोग्राम है जो कल मैंने आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए दिया था, कि मैंने आपको कहा था कि आपने ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करनी है। तो अभी हम इस प्रोग्राम को भी कर दें, उम्मीद है कि आपने इसी तरह प्रोग्राम फाइंड किया होगा। ओके गर्ल्स, हैव यू नोटेड इट? ओके गर्ल्स, अब आप लोगों का ये टास्क है आज का। इसमें आपने क्या करना है, ये आप लोगों ने प्रोग्राम राइट करना है, राइट अ प्रोग्राम देन इनिशियलाइज अ वेरिएबल एक्स वन। अब उन्होंने हमें वेरिएबल बता दिया, अब हम अपनी मर्जी का वेरिएबल नहीं देंगे, जो उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया हम वही वेरिएबल लेंगे, और फ्लोट टाइप, और इसकी टाइप क्या होगी, फ्लोट, यानी कि जब हम इनिशियलाइज करवाएंगे तो हम लिखेंगे फ्लोट एक्स वन एंड डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एक्स वन इन फॉलोइंग वे। और हमें इसको जो डिस्प्ले करवाना होगा वो इस वाले वे में करवाना होगा। अब देख लीजिएगा, जब हम एक दो तीन चार यानी कि फोर टाइम हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, अगेन आई एम सेइंग कि मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे, एक्स वन को हम फ्लोट की टाइप में डिक्लेयर करवा देंगे और इनकी वैल्यू दे देंगे हम। इसकी वैल्यू फ्लोट में है तो हम देंगे 2.51234, ठीक है। हमने ये वैल्यू दे दी, फ्लोट की वैल्यू दे दी हमने, एक्स वन की वैल्यू दे दी, मैंने सपोज वैल्यू लिखी है। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट एफ की वैल्यू करवाएंगे, तो हम करवाएंगे पर्सन एफ एक्स वन, इसको लिखेंगे हम इनवर्टेड कॉमास में। सेकेंड लाइन में हम दोबारा प्रिंट एफ की वैल्यू लिखेंगे, प्रिंट एफ टाइप करेंगे इनवर्टेड कॉमास में पर्सन ई। पर्सन ई कौन से आपके लिए डेटा टाइप के लिए यूज़ होता था, पर्सन ई भी इंटीजर टाइप था हमारे पास, और इट इज़ यूज फॉर सिंगल फ्लोट और डबल वैल्यू, ठीक है। तो हम लिखेंगे पर्सन ई और आगे हम वैल्यू दे देंगे एक्स वन। उसके बाद सेकेंड में हम लिखेंगे अगेन प्रिंट एफ पर्सन कैपिटल ई और कॉमा एक्स वन। तो जब ये पर्सन ई के साथ लिखेंगे तो ये सिंगल फ्लोट और डबल वैल्यू का आउटपुट आएगा, यानी कि हमारा जो कन्वर्टेड होगा वो एक्सपोनेंट की नोटेशन में आ जाएगा, यानी कि ये एक्सपोनेंट की नोटेशन में हमें दे देगा। और लास्ट में हम लिखेंगे प्रिंट एफ पर्सन जी और एक्स वन। तो जब हम जी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ई नोटेशन में आ जाएगा और जो एक्स्ट्रा जीरो होंगे वो ड्रॉप हो जाएंगे इसमें से। गॉट इट, ठीक है। तो आपने इन्हीं फॉर्मेट को यूज़ करते हुए आपने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के साथ इन स्पेसिफायर को यूज़ करना है, ठीक है। और आपने ये वैल्यू लेनी है और उसमें से कोई भी आप वैल्यू ले लीजिएगा। ये आप लोगों का होम टास्क है, ये आपने ये प्रोग्राम राइट करना है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।